everyone, welcome to my class. Once again, Kumari Guddi in front of you. तो दोस्तों बच्चों, आज हम लोग पॉलीथीन बैग के बारे में पढ़ेंगे. पॉलीथीन बैग जिसके बारे में हर एक इंसान जानता है, प्लास्टिक से बना होता है पॉलीथीन बैग. तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. और ये क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10 और पोइट्री है, ये पोएम है पॉलिथीन बैग. तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. कवि, किस कवि ने लिखा है, कौन से कवि ने, कवि का नाम क्या है. कवि का नाम है दुर्गा प्रसाद पांडा. दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में यहाँ उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ. दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज अ प्रोमिनेंट पोजिशन इन उड़िया लिटरेचर, प्राइमरली अ लिंग्विस्ट. पांडा ऑल्सो राइट्स पोइट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स उड़िया पोइम्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा. दुर्गा प्रसाद पांडा वो उड़िया के एक प्रख्यात लेखक थे, उड़िया भाषा के. ठीक है, वो उनके वो जो भी लेखनी उनकी थी, कविताएं हो या कहानी हो, कुछ भी हो, वो उड़िया भाषा में लिखते थे. और वो एक लिंग्विस्ट थे, बहुत से भाषाओं के ज्ञाता थे. तो वो जो भी जैसे वो अंग्रेजी में भी लिखते थे, लेकिन जो वो उड़िया में लिखते थे, अधिकतर उन कविताओं को या कहानियों को वो ट्रांसलेट कर देते थे इंग्लिश में. उनके बहुत से फेमस वर्क्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेखनी है उनकी, जैसे सवारानी एंड रेज. ये दो नाम जो है ये बहुत ही प्रख्यात है, सवारानी एंड रेज. इन द प्रेजेंट पोइम, इस पोएम में, या जो पोएम जिसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द पोएम द पॉलिथिन बैग, जिसका नाम पॉलिथिन बैग है. ही टचेस ऑन द प्रेशिंग इशू ऑफ पॉलिथिन बैग एंड द एविल कॉन्सिक्वेंसेस इट हैज ऑन एनवायरमेंट. जैसा कि हम लोग अभी देखते भी हैं कि पॉलिथिन बैग को बैन किया जा रहा है, प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है. आखिर क्यों बैन किया जा रहा है? इसलिए कि प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. तो ये वही बता रहा है कि वही बता रहे हैं हमारे कवि कि उसका क्या एविल कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे एनवायरमेंट में. द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड अ मंडेन थिंग लाइक अ पॉलिथिन बैग. तो यहाँ केवल पॉलिथिन बैग की ही चर्चा नहीं है, यहाँ चर्चा है ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस की भी. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के अंदर कुछ फीलिंग्स है, कुछ इमोशंस है. तो कवि ने पॉलिथिन बैग को कोरिलेट किया है ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस से. तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज देयर इन द पॉलिथिन बैग, हम लोग पढ़ते हैं. हर्ट, H-U-R-T, हर्ट. हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथिन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिथिन बैग के बारे में कवि बता रहे हैं, और यहाँ एक शब्द यूज किया गया है हर्ट, H-U-R-T, जिसका अर्थ होता है चोट या तकलीफ. ठीक है, तो यहाँ कवि ने एक शब्द यूज किया है हर्ट, H-U-R-T, हर्ट. इट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथिन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट. अर्थ हम लोग जानते हैं पृथ्वी को बोलते हैं, और क्रस्ट जो होता है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह को बोला जाता है. तो कवि का कहना है कि पॉलिथिन बैग जिस तरह से कभी डिसॉल्व नहीं होता है पृथ्वी के अंदर, आप उसको मिट्टी के अंदर भी डाल दीजिएगा या पृथ्वी की सतह में भी फेंक दीजिएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा. उसी तरह से हर्ट, H-U-R-T, हर्ट जो है वो इमोशंस है. हाँ, हमारा इमोशंस है. जब हमें किसी बात की तकलीफ पहुंचती है, हम चोट पहुंचती है, तो वह हम हर्ट हो जाते हैं. तो वह हर्ट भी पॉलिथिन बैग की तरह ही होता है, जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता है. आपके अंदर कोई बात की अगर तकलीफ है, तो वह अंदर ही अंदर सुलगती रहेगी. तो ये कोरिलेट किया है कवि ने हर्ट और पॉलिथिन बैग को.
When touched, it makes a squeaky noise. जैसे हम लोग पॉलिथिन बैग को छूते हैं तो ची ची करके आवाज, उसकी चीखने की आवाज उठती है उसमें. उसी तरह से जैसे हर्ट, अगर आपको किसी बात की तकलीफ पहुंचती है तो आपके मुंह से चीख निकलती है. When burnt, it exudes a pungent smell. और जब अगर हम पॉलिथिन बैग को जलाते हैं तो उसमें से बहुत गंदी दुर्गंध निकलती है. उसी तरह से when left to itself, it pollutes the environment. और अगर आप उसको जलाकर खत्म करना चाहेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा. और आप अगर उसको पृथ्वी पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह वैसे भी खत्म नहीं होगा, वो वैसे ही रह जाएगा और गंदगी और दुर्गंध फैलाता रहेगा. इसी तरह से हर्ट वर्ड को यूज किया गया है कि अगर आपके अंदर किसी बात की तकलीफ है और अगर आप उसका निवारण नहीं करते हैं तो वो उसी तरह से सुलगता रहता है और आपके अंदर तकलीफ को बढ़ाता रहता है. यह है हर्ट और पॉलिथिन बैग में रिलेशन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. जस्ट लाइक द पॉलिथिन बैग, हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन विद अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ. जैसा कि कहा गया है कि अगर पॉलिथिन बैग को थोड़ा सा आप आग दिखाइएगा तो वो तुरंत जल उठता है, उसी तरह से अगर आपको अपने अंदर तकलीफ पहुंची हुई है, आपको दो चार अच्छे शब्द, आपको सहानुभूति के शब्द अगर कोई बोलते हैं तो आपकी तकलीफ जो है वो पिघल कर बहने लगती है. बट डीप इनसाइड द ग्रीफ गार्जन गार्बेज बिन फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग. वह बह तो गया ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो गार्बेज बिन है, आपके अंदर का जहां पर आपका हर्ट नाउ इमोशंस जो है वो अंदर दबा हुआ है ठीक है, वह कभी खत्म नहीं होगा. वह भले लग रहा है कि बह गया लेकिन उसके उसमें से थोड़ा थोड़ा वो सुलगता ही रहेगा कि जब तक उसका उस समस्या का आप समाधान नहीं कर लेते हैं. उसी तरह से है पॉलिथिन बैग, आप उसको भले मेल्ट कर दीजिए लेकिन फिर भी वह दुर्गंध फैलाता रहेगा और अर्थ के ऊपर में वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो कभी बर्बाद खत्म नहीं होता है तो वो बढ़ता ही जाएगा. जिस तरह से पॉलिथिन बैग डिजीज बढ़ाता रहता है उसी तरह से हर्ट जो है वो आपके अंदर की तकलीफ को बढ़ाता रहेगा. द पॉलिथिन बैग रिमेन्स बरीड विद इन ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन. पॉलिथिन बैग जो है वो अपने अंदर ही समाया रहता है, उसको आप गला दीजिए बहा दीजिए वो वैसे ही पड़ा रहेगा. उसी तरह से जो पेन आपके अंदर है, आपको किसी बात की अगर तकलीफ पहुंची है, हर्ट हुए हैं, तो पेन आपके अंदर ही रहेगा, वो सुलगता रहेगा. कभी कभी उसका बहुत ही खराब रिजल्ट भी हो जाता है. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉलिथिन बैग वर्ड को, पॉलिथिन बैग को किस तरह से हर्ट के द्वारा कोरिलेट किया गया है. तो इस तरह, लेकिन यहाँ कुछ ग्रामर भी यूज हुआ है, जैसे कि हर्ट को पॉलिथिन बैग से रिलेट किया गया है ठीक है. तो ये हर्ट पॉलिथिन बैग जो है यहाँ पर आपका मेटाफॉर हो गया. क्यों?